मुझे बहुत अच्छा लगा कि राम अदवानी जो फिल्म के डायरेक्टर हैं उन्होंने मुझे कॉल किया। एक्चुअली 2 साल पहले बात हुई थी उनके लिए, मैंने काफ़ी कुछ काम किया तो बोल रहे थे कि एक बहुत अच्छी फिल्म करने जा रहे हैं और डेफिनेटली एक गाना वो मुझसे गवाएंगे। फिर बात आई गई हो गई एंड रिसेंटली ही कॉल्ड मी अगेन और बोले बहुत अच्छा सॉन्ग है, वो बहुत पावरफुल फिल्म है नीरजा के नाम से, एंड जो उनके उस फिल्म के म्यूज़िक डायरेक्टर हैं विशाल खुराना, उन्होंने सॉन्ग भेजा एंड मैंने जब सुना तो इतना अच्छा लगा। बहुत पॉजिटिव सॉन्ग है, इतना उसका जो थीम है इतना मोटिवेशनल है, कोई भी किसी भी मूड में बैठा हो तो मुझे लगता है कि वो ऑब्वियसली मतलब रिचार्ज हो जाएगा वो सुन करके। बहुत ही पॉजिटिव उसका जो मैसेज है उस गाने में, मैं हमेशा इसी तरीके की चीज़ों का वेट करती रहती हूँ कि कुछ अच्छा मिले गाने के लिए, तो मेरा जो इंतज़ार था वो सफल हुआ। मैं कह सकती हूँ कि आफ्टर तुम ही हो बंधु, मैंने काफ़ी चीज़ें गाई लेकिन एक होता है ना कि आपको दिल के करीब वाली कोई चीज़ मिली हो तो ये उनमें से एक है, और इतना अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, जिन्होंने भी सुना है सब लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, क्योंकि हर किसी को लगता है कि उसकी अपनी कहानी है, हर कोई उस दौर से गुजरता है क्योंकि सुख दुख दोनों लाइफ के हिस्सा हैं। तो जिस तरीके से सुख आता है तो जिस जब हम लोगों को प्रॉब्लम्स आती हैं लाइफ में तो उससे कैसे निकलना है उसको, उसके लिए जो इन्होंने ये गाना क्रिएट किया इट्स ब्यूटीफुल। और जिस तरीके से उन्होंने फिल्माया है, जिस जगह पर क्रेडिट्स में आ रहा है, शबाना जी की जो स्पीच है नीरजा फिल्म में, दैट वाज फैबुलस। मैंने मतलब गाना गाने से पहले उन्होंने मुझे कि कौन से मूड में गाना है, क्या जोन रहना है, तो मैंने फिल्म देखी थी लास्ट की तो वो मैं तो स्टंट थी एंड बहुत अच्छा लगा। फिर